राष्ट्रीय महासचिव सह अध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति बिहार विधान परिषद सह संगठन प्रभारी दिल्ली प्रदेश श्री भगवान सिंह कुशवाहा द्वारा नागरिक अभिनंदन सह सम्मान समारोह आरा के नगरी प्रचारिणी सभागार में किया। श्री कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में समाज के सभी तबकों का विकास हुआ। नीतीश कुमार ने जो कहा वह किया। नागरिक अभिनंदन समारोह में जिले के सभी वर्ग के महिला एवं पुरुष मौजूद थे। आरा से रामाशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। और श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी साहब आपने जनजन के नेता तो उनको बना करके पार्टी ने एक मजबूती किया और यहाँ जनता दल यू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूती मिलेगी। बहुत शानदार लोगों का उत्साह बता रहा है। जो कार्यक्रम हुआ उसमें आप लोगों ने देखा होगा कितने उत्साह से लोग पूरे जिले से आए हैं। उसके लिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करेंगे और आशा करेंगे कि इनके नेतृत्व में आम आदमी जनता दल यू में जो अच्छा एक बात बताइए, अभी जो फिलहाल बाढ़ आया था उसमें बहुत से जन धन का हानि हुआ है जी, तो अभी तक तो बाढ़ घोषित क्यों नहीं करवाई? देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग का विषय है, वस्तु है, सभी लोग जांच कर रहे हैं, जिले के पदाधिकारी राहत देने में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से अगर उस मानक पर हम लोग का बाढ़ आता है जिला बहुत त्रस्त, सभी लोग त्रस्त हैं, तो उसको हम लोग किसी भी आपदा प्रबंधन के तहत बाढ़ घोषित करने वाला जिला शामिल किया जाए। बहुत खुशी के माहौल बा। शाहबाद के मान सम्मान जो नीतीश कुमार जी आदरणीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी के पद से सम्मानित करके दिले बनी, एकरा पर शाहबाद के तमाम युवा नौजवान किसान सभी खुश बा। और आज झलक भी देख ली, तमाम शाहबाद के या युवा किसान मजदूर जुटल बने स्वागत समारोह। सर पे वो गाना है, थोड़ा गाना कर जी स्वागत में गीत बा कि बन के देखौनी विकास के विजेता नीतीश जी रौरा नियन के बनेता, नीतीश जी रौरा नियन के बनेता, गांव गांव शहर शहर भैले विकास हो, सच बात कहतनी बट विश्वास हो, रौरे चलते गरीबन पर ध्यान सभे देता, नीतीश जी रौरा नियन के बनेता, नीतीश जी रौरा नियन के बनेता, नीतीश जी रौरा नियन के बनेता। हाँ, दरअसल यहाँ के जुड़ा कमेटी के साथ जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने मिठाई से लड्डू से मुझे तोलने के लिए काम किया है। मैं उनके उत्साह को मैं बधाई देता हूँ और साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के जिला इकाई सब लोग मिलकर जिला इकाई छात्र महिला सेल दलित प्रकोष्ठ महादलित प्रकोष्ठ शिक्षक प्रकोष्ठ जितना प्रकोष्ठ है सब लोगों ने अपने स्तर से मेरा अभिनंदन का कार्यक्रम लोगों ने रखा है। अभिनंदन का कार्यक्रम 100% सफल रहा और मैं इन लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि जिस उत्साह के साथ आपने नागरिक अभिनंदन किया मेरा, नीतीश कुमार का अभिनंदन किया और नीतीश कुमार के फैसला का भी अभिनंदन किया है, उसी तरह गांव में भी जा करके गरीब के बीच में आम जनता के बीच में सभी वर्गों के बीच में जा करके नीतीश कुमार के नीतियों को प्रचार करे, संगठन को मजबूत करे ताकि 2025 में जो आम चुनाव होने वाला है विधानसभा के, उस चुनाव में पुनः नीतीश कुमार को NDA का मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस अभियान के साथ गांव में निकलने की जरूरत है, सिर्फ फेसबुक पर रहने से काम नहीं चलेगा, जनता के बीच जाइए, यही मेरा